हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौज ऐप का यूज कैसे कर सकते हैं। पहले बता दें मौज ऐप है क्या। जैसे आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते थे, उसी प्रकार से शॉर्ट वीडियो आप मौज ऐप पे भी बना सकते हैं। मौज ऐप से पैसे कमाने की बात करें, लोग यूट्यूब बनाए मौज ऐप से पैसा कमाएं, मौज ऐप से पैसा कमाएं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मौज ऐप पे आप तभी पैसा कमा पाएंगे जब आप पॉपुलर हो जाएंगे। जैसे रियाज हैं, फैजू हैं, इतने सारे लोग हैं जो पॉपुलर हो गए, अब लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे वीडियो कैसे बना सकते हैं, वीडियो को वायरल कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजेश गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश कुमार मौर्य, और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्ले स्टोर पे क्लिक करना। जैसे प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना मौज मारने गए हैं। मौज यहाँ पे सर्च करेंगे, देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको देख सकते हैं मौज इंडियाज मोस्ट पॉपुलर ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल करेंगे ओपन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल से यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखते हैं वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देना है। ठीक, ऊपर नीचे स्वाइप अप करेंगे, वीडियो आपको यहाँ पे दिखाते रहेंगे। अब यहाँ पे अकाउंट अपना, सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यू विद फेसबुक। अगर आप फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद फेसबुक से करना है। अगर आप गूगल से लॉगिन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद गूगल पे आपको करना। अगर फ़ोन नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे हम चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं पहले कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर से। जैसे कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट। सिंपल से आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। एक्सेप्ट करेंगे, अब आपको यहाँ पे नंबर डालना होगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। नंबर डाल के आपको आगे प्रोसेस बढ़ा देना, OTP आएगा, आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आपका ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपके यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाने लगेगा। यहाँ देख सकते हैं मौज यूजर ID पासवर्ड फॉलोइंग 0 लाइक्स, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल से एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पहले सबसे पहले फ़ोटो चेंज कर देनी अपनी, जो भी अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे जो भी फ़ोटो लेना चाहें, कैमरे से लेना चाहते हैं, गैलरी से लेना चाहते हैं, अब हम गैलरी से लेना चाहते हैं, हम गैलरी पे क्लिक करेंगे, इस गैलरी पे करेंगे। अब यहाँ से हम जो भी फ़ोटो, जैसे हमें ये फ़ोटो लेनी, हमने ये फ़ोटो ले लिए, ड्रॉप करके आप जो भी फ़ोटो का जो हिस्सा आप सेट करना चाहते हैं वो हिस्सा आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना हो, यहाँ से ओके करेंगे, ये आपका फ़ोटो सेट हो गया। अब उसके बाद आपको यूज़र नेम यहाँ पे रखने के लिए मौज यूज़र यहाँ पे लिखा हुआ है, मौज यूजर, आपको यूजर नेम क्लिक करना है। अब अपना यहाँ पे यूजर नेम आपको चेंज कर देना, जैसे यहाँ टेक्निकल राजेश रख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं @ ये कर सकते हैं। उसके बाद बायो, आप यहाँ पे बायो लिख सकते हैं, जो भी आप बायो लिखना चाहें, इस पर क्लिक करेंगे, बायो वाले ऑप्शन पे एडिट करेंगे। अब यहाँ पे आप बायो लिख सकते हैं कि क्या, जैसे केक, मर्डर, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं क्या है यूज है। तो यहाँ पे आप जेंडर लिख सकते हैं, क्या आपका जेंडर है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इंस्टाग्राम आपका, यहाँ देखते हैं इंस्टाग्राम के ऑप्शन, इंस्टाग्राम सीधे आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम को यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये सेटिंग होने के बाद आपको यहाँ सिंपल से आपके ऑप्शन पे सेव कर देना होगा। सेव कर देंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे एडिट प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल एडिट करनी है आपको यहीं से करनी होगी। सेव, ये आपका सेव हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूजर नेम, फोटो आपका चेंज हो गया, टेक्निकल राजेश यूजर नेम हो गया, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे 3 डॉट के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 3 डॉट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं गेट मोबाइल वेरिफिकेशन आपका होगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, अपनी भाषा को चेंज करना चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हिंदी, भोजपुरी, मराठी, राजस्थानी, इंग्लिश, यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आपको चूज़ करना वो आप यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कन्फर्म कर देना होगा, कन्फर्म हो जाएगा। देख सकते यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश हो गया। उसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, 3 लाइन पे फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ से शेयर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। रेफर एंड विन, यहाँ से रेफर करके आप विन कर सकते हैं, जी सकते हैं, अपने दोस्तों को यहाँ पे रेफर करेंगे। यहाँ देख फेसबुक पे रेफर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे 3 लाइन पे, यहाँ पे लिंक को कॉपी करके कहीं पे भी आप कॉपी टू क्लिप बोर्ड पे कॉपी करके लिंक को कहीं पे भी आप इसको भेज सकते हैं, ठीक, ये आपका हो गया। ऐसे आप रेफर एंड विन रिवार्ड्स आप जीत सकते हैं दोस्तों को रेफर करके, कि ये ऐप डाउनलोड करिए।
तो ये हो गया। उसके बाद फिर से थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प एंड सपोर्ट, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती हेल्प एंड सपोर्ट की तो हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करके आपको हेल्प सपोर्ट ले लेना है। रिपोर्ट, यहाँ पे वायलेशन, मोज पॉलिसी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, शेयर मोज विद फ्रेंड, रेट योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस क्या है इसके साथ में, आप वो यहाँ पे रेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगआउट करना चाहें तो लॉगआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगआउट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, सिंपल से लॉगआउट भी कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉलर का ऑप्शन, यहाँ पे पैसे का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं पैसा कैसे कमा सकते हैं। पैसा कमाने का आपका यही है, रेफर एंड विन करके आप पैसे को कमा सकते हैं। रेफर एंड विन करके आप पैसे यहाँ से पैसे को अर्न कर सकते हैं किसी को। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रेफर एंड फ्रेंड, फ्रेंड को रेफर करेंगे तो यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। फ्रेंड इंस्टॉल मौज, अगर फ्रेंड इंस्टॉल करता मौज को वहाँ से। फ्रेंड क्रिएट प्रोफाइल, बहुत विन रिवार्ड्स, यहाँ से बहुत सारे आप पैसा यहाँ से रेफर एंड विन करके पैसे को कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर होम पेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई देंगी। सबसे पहले यहाँ फॉर यू में जैसे जाएंगे तो आपके जो फॉर यू की वीडियो चलेंगे। अच्छा। और फॉलोइंग पे क्लिक करेंगे, जिन लोगों को अपने फॉलो कर रखा है उन लोगों केवल इसमें वीडियो आएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इनको जैसे हम फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए किसी को फॉलो करना चाहें आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं ये। ठीक, उसके बाद सर्च बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ सर्च बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, जितने फ्रेंड किसी को फ्रेंड को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। रियाज अली, यहाँ पे देख सकते हैं रियाज अली को क्लिक करेंगे, इस पर फॉलो कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आप जिसको भी सर्च करना चाहें यहाँ से सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। हैशटैग, यहाँ से आप हैशटैग यूज कर सकते हैं, हैशटैग लगाकर सर्च करना चाहें तो हैशटैग देख सकते हैं, हॉट है, लव है, फनी है, ये बहुत सारे हैशटैग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बैक करते हैं, अगर आपको वीडियो बनानी है तो वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का आइकन आपको मिल जाएगा। सिंपल से प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है। यूज कैमरा मीडिया माइक एंड लोकेशन, यहाँ से आपको ओके कर लेना है। जैसे ओके करेंगे अब यहाँ पे देखेंगे अलाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सिंपल से अलाउ कर लेना है, फिर से अलाउ कर देना है, फिर से अलाउ कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वीडियो आने लगी है। अगर अभी वीडियो आ रही है, अगर आप पीछे करना चाहें वीडियो को फ्लिप, यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिप का ऑप्शन आपको देखने को मिले, आगे पीछे वीडियो को यहाँ से कर सकते हैं। फ्लिप कर दिया हमने, यहाँ पर बैकग्राउंड का वीडियो चलने लगा। ठीक, अब यहाँ पर स्पीड, स्पीड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ 0.3x देख सकते हैं, 0.5x, 1x, 2x, 3x। आपको अगर 0.3x में वीडियो बनाई, 0.3x मतलब स्लो मोशन, 0.5x मतलब स्लो मोशन और स्लो मोशन हो जाएगा, 1x, 2x फास्ट मोशन, 3x फास्ट मोशन हो जाएगा। यहाँ से टाइमर, अपना एक टाइमर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइम पे क्लिक किया, टाइम कितने सेकंड बाद वीडियो आपकी रिकॉर्ड होने से, जैसे 30 सेकंड बाद, 45 सेकंड बाद, कभी कभी होता नहीं कि आप रख देते हैं, आप पोज देते हैं, देने वाले होते हैं तो चाहते हैं कि इतने सेकंड बाद आपकी वीडियो स्टार्ट हो, तो उतने सेकंड बाद आपकी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे 6 सेकंड हमने यहाँ पे लगा दिया तो 6 सेकंड बाद ही वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू होगी। यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, ये वीडियो आपकी रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। फ्लैश, अगर आप चाहें तो फ्लैश को भी यहां से जला सकते हैं। फ्लैश पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं फ्लैश, यहां मोबाइल का फ्लैश भी यहां पे जल गया। तो इस तरह मोबाइल का फ्लैश भी आप जला सकते हैं। यहां पे हमें जैसे साउंड, हमें पहले साउंड सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे यहां पे साउंड सेलेक्ट करते हैं, कोई भी साउंड, जिस साउंड पे हमें वीडियो बनानी वो साउंड हमें यहां पे ले लेना होगा। जैसे लाइब्रेरी में जाएंगे, यहां पे देखते हैं मोज ट्रेंडिंग, मोज म्यूजिक, फेस्ट वायरल ऑन मोज लोकल, यहां पे लोकल पे क्लिक करेंगे। अपनी लोकल जो होंगी आपकी, जो आपके मोबाइल में सेव होंगी, वो यहां पे आपको लाइब्रेरी में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं ड्रीम मेन एंट्री, यहाँ पे ड्रीम मेन एंट्री आपको मिल जाएगा। पानी पानी, यहाँ पे सॉन्ग मिल जाएगा इंडिया वाले, जो भी सॉन्ग आपको लेना आप पागल पंग यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं मोस्ट ट्रेंडिंग में कौन कौन से सॉन्ग चल रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सॉन्ग चल रहे हैं। आप कोई भी सॉन्ग, ये स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट वीडियो, अभी आपका सॉन्ग सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीम विद मेन एंट्री, आपको यहाँ पे सॉन्ग मिल गया। अब वीडियो बनानी तो हम यहाँ से बैक करेंगे, बनानी है जैसे हमारा ये हिरन है जिसके हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो हमने बना ली, वीडियो बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखेंगे ओके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल से ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ओके के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, आप फिल्टर लेना चाहें यहाँ देख सकते हैं फिल्टर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सारे फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी फिल्टर आप लगाना चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट की बात करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी इफेक्ट लगाना, जैसे हमें ये इफेक्ट लगाना है तो हमने इस पर क्लिक कर लिया, वीडियो बढ़ाया, यहाँ पे हम इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इफेक्ट लगाना चाहें हम वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक,
उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वॉइस, वॉइस पे क्लिक करेंगे। वॉइस का हाईलाइट ऑप्शन नहीं हो रहा है। जब वॉइस यहाँ पे साउंड अभी बदलना चाहें तो आप साउंड बदल सकते हैं। स्पीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्लोअर, फास्टर, रिवर्स, जो भी स्पीड आप लगाना चाहें, स्लो मोशन में करना चाहें, यहाँ पर स्लो मोशन पर भी कर सकते हैं। अब शुरू में आप देखेंगे स्लो में प्ले होगा, ये देखिए ठीक स्लो मोशन यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर ए जो लिखा हुआ है आपका टेस्ट है, तो अगर आप चाहते हैं टेस्ट ऐड करना तो आप यहाँ पे डबल ए पे क्लिक करेंगे। कुछ भी अगर टेस्ट इस वीडियो में लिखना चाहते हैं तो आपको वो टेस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से ठीक। उसके बाद स्टिकर्स, अगर आप स्टिकर्स लगाना चाहते हैं यहाँ पे स्टिकर्स देख सकते हैं, बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे, फूल, गुलाब, ये बहुत सारे स्टिकर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी स्टिकर्स आप लगाना चाहते हैं वो स्टिकर आप यहाँ से लगा सकते हैं ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल से आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वीडियो जो भी है डाउनलोड होगा, ये देख सकते हैं वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है या उसके लिए रेडी हो रहा। अब यहाँ पे यही मेन सेटिंग होती है दोस्तों, आपको यहीं पर ध्यान दे के सीखना है ठीक। अब यहाँ पर वीडियो के बारे में, जैसे आपका हिरन है तो हमने यहाँ पर हिरन लिख दिया है, हिरन स्लो मोशन जो भी हिरन लिख दिया। अब आपको जैसे ये वीडियो वायरल करनी है तो आप क्या करेंगे, हैशटैग यहाँ पे यूज करेंगे, हैशटैग क्लिक करेंगे। अब वीडियो वायरल होनी चाहिए तो वीडियो वायरल हैशटैग एक है तो वायरल हैशटैग यहाँ पे लगा सकते हैं ठीक। एक हैशटैग लगाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक यहाँ पर लिखेंगे, ट्रेंडिंग करेंगे। अब यहाँ पे ट्रेंडिंग का आप यहाँ पे लगा सकते हैं ठीक, हैशटैग आप ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे अपने फ्रेंड को ऐड करना चाहते हैं, जैसे फ्रेंड पे क्लिक करेंगे, ऐट द रेट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम किसी भी फ्रेंड को ऐड टैग करना चाहें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेनू पंचल, जिसको भी टैग करना चाहें इस पर हमने इनको टैग कर दिया ठीक। अब नीचे चलेंगे, अब यहाँ पर सेलेक्ट कवर, ये आप ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट कवर पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कौन सा कवर रखना चाहते हैं, मतलब कौन से थंबनेल, नहीं होता हमें ये थंबनेल रखना है, इस पर रोक देना है, बस ये आपका थंबनेल हो जाएगा। उसके बाद अलाउ कमेंट, आप चाहें तो यहाँ से कमेंट को ऑफ कर सकते हैं। शेयरिंग, आप यहाँ से शेयरिंग को ऑफ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो के साथ कोई ड्यूट ना कर सके तो आप यहां से उसको भी ऑफ कर सकते हैं। सेव एंड डिवाइस, आप चाहें तो आपकी कोई वीडियो सेव ना कर सके उसको भी ऑफ कर सकते हैं, पर हमें कोई ज़रूरत नहीं। आप सीधे यहां पर देख सकते हैं, दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ड्रॉफ का, पोस्ट का। अगर आप अपनी वीडियो को ड्रॉफ में सेव करना चाहते हैं तो ड्रॉफ को रहने दीजिए, अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पोस्ट कर देना हो। जैसे ये जो कमेंट पड़े यहाँ पर, शेयर देख सकते हैं, शेयर पर हमें क्लिक करना होगा, शेयर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इनकी वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं या ड्यूट करना चाहते हैं, या इनकी वीडियो पर कोई रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर ड्यूट करना चाहते हैं ड्यूट पे आप क्लिक करना होगा। जैसे ड्यूट पे क्लिक करें वहाँ पे देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर पे बफरिंग का ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे वीडियो डाउनलोड होगी, वीडियो डाउनलोड होने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वीडियो अपलोड हो गई, ये वीडियो आपकी पब्लिक हो गई। यहाँ पे जो भी आपकी वीडियो को लाइक करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाते हैं, देख सकते हैं गाना भी यहाँ पे ऐड हुआ होगा, तो यहाँ पे गाना भी आपका ऐड हो गया। तो मौज ऐप कुछ इस प्रकार से, आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन, सिंपल से नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, जो भी नोटिफिकेशन, जैसे आपकी कोई वीडियो को लाइक करता है, जो भी कमेंट करता है, तो यहाँ नोटिफिकेशन में आपको दिखेंगे।